20 साल में शादी कर लेगा तू? सर हम लोग 25 साल हो गया, लड़की नहीं मिला अभी तक, तू 20 साल में कर लेगा? सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीनूर ब्लॉग्स। हम लोग जा रहे हैं एक मॉनेस्ट्री है पास में, तो वहाँ पे जा रहे हैं, बट एक बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए आगे में नदी है, एक दो तीन चार 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 मतलब क्रॉसिंग करना पड़ेगा, और ये बोल रहे हैं कि क्रॉस कर लेंगे, तो कोशिश जारी रहेगा। अगर यहाँ से पार हो गए तो ब्लॉग तो बनेगा ही, अब देखते हैं पहले क्रॉस कर पाते कि नहीं, वो मायने रखता है, बिकॉज नदी गहरा है बीच में। तो चलते हैं फिर आगे क्या होता है, देखते हैं क्या हम लोग ये नदी पार कर पाते हैं कि नहीं। चलिए आइए, हम पैदल जाएंगे, ठीक है? हम लोग बताते रहेंगे, ठीक है? तुम पार कर देना, ओके? ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम लोग घुमा के लेके आ जाएंगे, ओके? तो हम लोग अब जा रहे हैं मिशन के लिए, अब देखते हैं मिशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो चलिए हमारे से यार, उससे पहले जूता खोलना पड़ेगा। जूता मत खोल, गाड़ी में बैठ ना तू, गाड़ी में बैठ, इधर बैठ के जाए। हाँ इधर इधर से पानी नहीं है, बोला वो पार कर लेना। तू बैठ ही भैया, अकेले से अच्छी नहीं, अरे होगा भाई, सुन ना, हम लोग पैदल जाते हैं। 12 seconds later. सावास। तो पहला पड़ाव पार हो चुका है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जूता खोल लिए है, नहाल तो भी खोल लिए। अब आ गया समय नदी पार करने का, अभी पैदल, क्योंकि देखिए वो बुलेट से पार कर लिया अकेले, पूरा कॉन्फिडेंस में थे। तो दोस्तों विशाल पूरा कॉन्फिडेंस में है कि वो आगे वाला भी नदी पार कर लेंगे, तो अगर पार कर लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज तो ब्लॉग करना ही पड़ेगा, क्योंकि संडे है एंड संडे को टाइम मिलता है ब्लॉगिंग का। तो सोचा कि अब यहाँ पे आए हैं तो मॉनेस्ट्री दिखाई देते आप लोगों को, बहुत ही सुंदर है मॉनेस्ट्री। तो चलिए, थोड़ा कष्ट बनता है आप लोगों के लिए एंड ये कष्ट देखते हैं। वो आगे तो बहुत तगड़ा फ्लो में चल रहा है पानी, और यहाँ पे देखिए दो डॉगी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। गहरा है क्या? रुक जा, नापने दे पहले। लगता तो नहीं है कि ये नदी पार होने वाला है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पानी कम है, यहाँ पे कम है पानी, जहाँ से आए वहाँ से कम है। आ जा। तो दोस्तों वो देखिए बहुत ही मेहनत से आ रहे हैं। अरे घुस गया घुस गया, अरे निकाल लिया, फंस गया। बोला था ना कोना से काट के लेके आता, बंद हो गया। 1 minute later, इधर से आता ना, इधर कम पानी कम। Minutes later. हेलो दोस्तों, बाइक हो गया, ऑन नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसका साइलेंसर के अंदर पानी चला गया है, उसका जो कॉन्फिडेंस है ज़्यादा हो गया था, तो यही होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आदमी अपना बजा बैठता है। तो देखिए हालत, देखिए उसे ठीक मार रहा है, अब उसको बाइक वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ पाएगा फिर छोड़ के पैदल चला जाएगा। हाँ चला जाएगा पैदल, मतलब आधा घंटा है, पहले मैंने बहुत टाइम है, पार्क करना पड़ेगा, स्टार्ट हो नहीं रहा भाई, वो लेके जा नहीं सकते, तो लोग ट्राई करें पैदल जाने का, पैदल जा पाएंगे भी कहीं, उससे भी श्योर नहीं हम लोग, तो आप कोशिश करेंगे, देखते क्या होता है। अब आप देखते कद्दू वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये सब चल रहा है, तो यहाँ पे आए तो संभल के रहे, यहाँ का पानी वानी ना पी ले आप लोग, बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो
देखते क्रॉस कर पाते कि नहीं, नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा। हाँ फाइनली स्टार्ट हो गया, देखिए फाइनली स्टार्ट हो गया है। और मार और मार और मार, बहुत पानी स्टार्ट हो गया। सही बोल रहे हैं, हम लोग पूरा फंसे हैं, बाइक का जो तार होता है एक्सलेटर का वो टूट चुका है। हम लोग घर कैसे जाएंगे और बाइक को लेके कैसे जाएंगे, फंस गए। दुख की बात है कि मॉनेस्ट्री दिखा नहीं पाएंगे आप लोगों को, अब नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे, बट ब्लॉग खत्म नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब ऐसा कांड हो चुका है, क्या बताया, बाइक खराब हो चुका है, बाइक को ले जाना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ से ठेल के लेके जाना मतलब हालत खराब हो जाए। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि ये बताइएगा भैया लोग, ये जो तार है, ये तार यहाँ का जो होता है वो टूट चुका है, तो अब बाइक ठेलना पड़ेगा हम लोगों को एंड ठेल के लेके जाना पड़ेगा आगे तक। तो संडे स्पेशल आज का यही है, हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं वो दिखाएंगे हम लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, देखिए वो भी फंसेंगे आज। भैया बताइए, चल ठेल। 10 minutes later. देखिए दोस्तों, जैसे कि भाई बोला कि 8000 खर्चा है वो उसका बाइक में, और ये तो बुलेट है। नहीं नहीं, इसमें नहीं है, मेन बात है कि इसकी फेयर का तू अभी ठेलना पड़ेगा, वो दिक्कत है। अब इतना कड़ा धूप में ठेल के लेके जाना, कहाँ तक जाना हम लोग को, मिलन मोड़ तक जाना, मतलब सोचिए बहुत ही मुश्किल का बात है। 15:30 एंड वहाँ पहुँचते पहुँचते बच जाएगा शायद 5 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा ठेलने में, लग जाएगा आधा घंटा। तो ये आज का ब्लॉग है, तो आप लोग देखिए क्या बाइक बन पाता है कि नहीं, क्या हम लोग जा पाते हैं कि नहीं घर बैठ के उसके ऊपर। तो यही आज का ब्लॉग रहेगा। कैप्टन है यहाँ पे, देखिए दमदार लग रहा है कैप्टन। तो आगे खेलने का प्लान इंडिया टीम के लिए, इंडिया टीम के लिए प्लान है, तो अभी हम लोग तक सुन रहे हैं। अच्छा, तो आपको बोलेगा तो 10-15 मिल जाएगा गैरेज, मिलन रोड में लाइन लाइन मिल जाएगा। टूट गया हम लोग गाड़ी घुसा दिए थे पानी में, आप बन जाएगा, आप टेंशन नहीं लेने का, ये मिलन मोड़ पे सब बहुत अच्छा अच्छा इंजीनियर सब है, वो लोग मेरा नाम बारूद मुर्मू, बारूद जिसको अब आर्मी में भेजना पड़ेगा, इंडियन आर्मी में लगा दिया भाई, दुआ लगा दिया। अर्जित शर्मा, क्या अर्जित भाई नहीं है, मार्सेलो पानी जा रहा है। अच्छा, 1 minute later. उसके लगाई जुगाड़ करे। तो दोस्तों रेस्क्यू मिशन के लिए आ चुके हैं हमारे कुछ दोस्त, देखिए पहलवान लोग आ चुके हैं, हम लोग बच जाएंगे, हम लोग जिंदा बच जाएंगे फाइनली। तो अभी लोग गाड़ी को ठेल के लेके जाने का प्लान करें, हम लोग आज पहुंच जाएंगे, आप देखते हैं कैसे पहुंचते हैं, बिकॉज रेस्क्यू मिशन में और भी आदमी जुड़ चुका हुआ है। 10 minutes later. दोस्तों धक्का मारते मारते फाइनली हम लोग बाइक रोड तक पहुंचा ही दिया आखिर में, एंड अब ये वहाँ से गैरेज लेके जाना है,
अब गैरेज में कितना खर्चा बैठता है वो भी देखना पड़ेगा। 12 seconds later। हाँ, ये रहा देसी नुस्का। और पीछे कर। रोहित शेट्टी की सिंघम 3 लीक। सिंघम 3 लीक फुटेज। One minute later। एक ही फ्लो में टानो। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा। Yes! ये देखिए तरीका, अगर आपका तेल खत्म हो जाए तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। हल्का हल्का भाई, हल्का हल्का, आराम से आराम से, शाबाश शाबाश, ध्यान से ध्यान से। 10 minutes later। धीरे धीमे धीमे धीमे। भैया इसका ट्रीटमेंट करना है। अरे पेशेंट ले आया है बुलेट का। लास्ट में यही सब बाइक काम आता है। बाहुबली बाहुबली महेंद्र बाहुबली। बेल्ट कमाल है, बेल्ट लेदर का बेल्ट है ना, उसका देख कैसा लोकल बेल्ट है। One minute later। तेरे को दिखाना होगा, तू बहुत फेमस है यहाँ का, बोल लड़की तारता है तू खाली। हाँ सुने है भाई, बोल रहा था कि तुम्हें लड़की देखता है यहाँ पे। अभी एज कितना है तेरा, उम्र कितना है? 14 में लड़की देख रहा है। कैसे बोल रहे भैया का चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलोवर भी बढ़ा दीजिएगा इंस्टाग्राम का, ठीक है? ये मेरा बोलने का। प्रैक्टिस किया है, पूरा प्रैक्टिस किया ना, पूरा ब्लॉग देखता है ना। तू भी सही, खाली लड़की मत देख। लड़की देखने से अच्छा होता है। लड़की देखने से क्या होता है? अच्छा, अच्छा होता है। कैसा अच्छा होता है बता तो, लड़की देखने से अच्छा होता है मतलब कैसा लगता है देखने के बाद? अच्छा लगता है। पूरी हो जाएगी 20 साल में शादी कर लेगा तू। सर हम लोग 25 साल हो गया, लड़की नहीं मिला अभी तक। तू 20 साल में कर लेगा। एकदम की पूरी माने माने पूरा मैं तारीफ में। किसी से प्यार हुआ तेरे का पहले कभी भी? हा? प्यार हुआ किसी से? प्यार हुआ, प्यार कब, कौन सा एज में? जब मैंने 10 साल में तेरे को प्यार हो गया। आई सवास, किससे प्यार हुआ था? प्रपोज किया किससे? प्यार हुआ था किससे? प्यार हुआ था किससे? प्यार हुआ था किससे? प्यार हुआ था एक लड़की से, घर के पास या फिर स्कूल में? स्कूल में, खमची में, ट्यूशन में प्यार हुआ था। आई सवास, प्रपोज किया, प्रपोज भी कर दिया। क्या बात है सर, वाह, फिर ब्रेकअप हो गया। देखिए दोस्तों, 10 साल के एज में इसको हुआ था प्यार, ब्रेकअप भी हो गया, एंड ये रात को रोया भी बहुत ज्यादा। कम उम्र में प्यार होने का यही प्रॉब्लम होता है, तो अभी लड़की देखना शुरू कर दिया उसके बाद ना। अब प्यार होगा कभी किसी से? नहीं होगा ना प्यार, एक बार ही प्यार होता है ना लाइफ में, एक बार ही प्यार होता है। ये देखिए सच्चा आशिक, ये रहा सच्चा आशिक। नाम क्या है तेरा बोलते एक बार? सुदीप राय। सुदीप राय सच्चा आशिक। ओरिजिनल नाम दीप। ओरिजिनल नाम दीप। देखिए कोई लड़की अगर देखिए कोई पसंद करे इस क्या समर ने डिटेल में एड्रेस भी बता दिया। देखिए आप लोगों को बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, कम उम्र में इसको दर्द पहुंचा है। 10 साल की उम्र में इसका कट चुका है। 10 minutes later। निकाल पता है कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अब बैठने का तो अलग ही मजा आएगा, क्योंकि एक घंटा से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं बाइक बनाने के लिए, एंड फाइनली बन गया, कुछ खाते हैं। तो दोस्तों भूख लगा था, सोचा मोमो खा लेते आज, ऐसे भी आज संडे है तो चीट मील चलते रहता है आज। तो अब ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ इस चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो गाइस।